तो कल से स्टार्ट करते हैं। कल हमने L3V पेन देखा था बिटवीन C1 एंड C2, ठीक है। C1 C2 के हमने एक L2V पेन कॉन्फ़िगरेशन करवाया था और शायद अभी भी चल रहा हूँ। ये C1 ठीक है। दूसरी साइड से मेरे को AIZP के थ्रू 44 के ऊपर आउट मिल रहा है मेरे को, 44 से। आप इसको पिंग भी कर पा रहे थे, ठीक है, ये पिंग भी हो रहा था। और R1 से लेके R4 के बीच में हमने क्या बनाया था, एक IPB ये अपना VPN V4 नहीं बस ये वो करवाई थी हमने। आप देख सकते हो कैसे देखोगे, शो BGP या फिर शो IP BGP ऑन समरी। देखो ये कमांड होती है, देखो इसमें बता देगा। देखो एक तो आपका IPv4 नेबरशिप बनी हुई है, एक आपकी बनी हुई है। देखो इधर देखो एड्रेस फैमिली IPv4, ये IPv4 बनी हुई किसके साथ, 4.4 के साथ। और इसी के साथ हमने क्या कर रखा है, VPNv4 भी बना रखी है। आप ऐसा भी कर सकते हो भाई, अभी तो मैंने दो टाइप की एड्रेस फैमिली इनेबल है, ठीक है, R1 टू R4। अभी आप ऐसा भी करा सकते हो कि IPv4 आपको कुछ काम नहीं है ना। देखो VPNv4 से तो आपको राउट मिल रहे हैं, VRF के राउट मिल रहे हैं, ठीक है। R1 पे R4 से मुझे कितने राउट मिल रहे हैं, 3 राउट मिल रहे हैं, ठीक है। अभी ये देखना IPv4 का तो कुछ काम नहीं है यार, ठीक है। इसको आप डिसेबल भी कर सकते हो कि ये क्यों आपने इनेबल कर रखी है, बेस का कोई काम नहीं है ना, तो आप इसको डिसेबल भी कर सकते हो, ठीक है। एक मिनट रुकना, मैं पानी पी कर रहा हूँ। आप इसको डिसेबल कैसे करोगे, ये ना बाय डिफॉल्ट ऑन रहती है IPv4 तो, ठीक है। देखो BGP डिफॉल्ट IPv4 यूनिकास्ट, इसको कर दो लॉन। इसको मैंने क्या कर दिया, इसे कर्जर का कलर व्हाइट हो गया। एक मिनट रुको, ब्लैक, नहीं ब्लैक नहीं चाहिए, दिखेगा नहीं। अभी देखना उधर भी कर देते हैं ना, एक बार उधर भी कर देते R4 पे। कास्ट को कर दो, ये इधर डिसेबल नहीं हो रही है, कमांड तो यही है। पाइपलाइन सेक्शन देखो, BGP कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखोगे, शोरन पाइपलाइन सेक्शन BGP, ये BGP कॉन्फ़िगरेशन दिखा देगा आपको। शायद इसको रीसेट करना पड़ेगा।
नहीं जा रहा है कोई नहीं, ठीक है कमांड ही है, इसमें डिसेबल नहीं हो रही है। कमांड ही रहती है लेकिन, ठीक है मैं भी कुछ वर्जन का हूँ, मैं आपको दूसरे ऑटो पर करके दिखा दूंगा। तो इधर देखना, अगर आपको IPv4 यूनिक कस्टम भी देखनी है, IPv4 नेबरशिप, तो IPv4 नेबरशिप देख सकते हो, और VPNv4 पियरिंग देखनी है, VPNv4 नेबरशिप, तो VPNv4 डाल देना। शो बीजेपी चलती है, नहीं इसमें कमांड नहीं। ऑल समरी, ठीक है ऑल समरी से देखोगे VPNv4 में, वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे कमांड होती है, ठीक है इस प्लेटफॉर्म पे कमांड अवेलेबल नहीं है पर्टिकुलर VPNv4 देखने की, तो आप ये ऐसे देख सकते हो। ठीक है 1.1 से मैं देखो, इसमें मुझे 1.1 से कितने प्रीफिक्स मिल रहे हैं, 4, ठीक है और कौन कौन से मिल रहे हैं ये आप कैसे देखोगे, शो IPBGP VPNv4 ऑल, मेरा ना स्पेस का क्या हो गया, ये इतने सारे प्रीफिक्स मेरे को मिल रहे हैं, ठीक है ये VRF के सारे राउंड है। अब मैं करता हूँ एक काम करता हूँ, ये A1 A2 है ना, इनके बीच में भी एक L3 VPN क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं OSPF की कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ, ठीक है C1 C2 में EGRP चल रहा है, A1 A2 में मेरा चलेगा OSPF, A1 A2 ले लेता हूँ, ठीक है और इधर मैं IP दे दूंगा इसको, ठीक इस लिंक को मैं IP दे देता हूँ 91 0/24। और इस लिंक को IP दे देता हूँ मैं 41, तो A1 पे चलते हैं, गिग 4/0 एड्रेस 91.1.1.44, 4 दे देता हूँ, ठीक है 2 दे देता हूँ, 255.255.255.0 लूपबैक भी क्रिएट कर देता हूँ, ठीक और लूप पे क्रिएट कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ 60.1.1, लूपबैक 0 पे भी ना ये 60.1 कर देता हूँ, 60 वाले सारे लूपबैक A1 करेंगे,
कई सारे डुप्लीकेट कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 ठीक है। और राउटर ओ एस पी एफ चला देता हूँ इसमें। टेन चला दिया मैंने और नेटवर्क सारे एडवर्टाइज करा देता हूँ। एरिया 0 ठीक है। अब चलते हैं ऐसे ही A2 पे चलते हैं ठीक है। दोनों साइड कस्टमर की कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ पहले। अभी Geek 2x0 है, इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। Geek 41 2 एड्रेस इधर का दे दो, 70 दे दो इसका ना, 60 देते हैं, 70 दे दो। फाइव बैक 6 राउटर को एक्सपीरियंस 10 नेटवर्क सारे एडवर्टाइज कर देता हूँ। ऐसे ही A1 पेपर देखना, फिजिकल इंटरफेस ऑफ है ना मेरा 4x0। अरे मैंने लूप बैक के सारे सेम नेटवर्क में डाल दिए, इसको मैं अलग करता हूँ। मैंने Flash 32 डाला है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अलग अलग नेटवर्क है, मैं सोचा कि एक ही नेटवर्क बना होती है, वो अलग अलग नेटवर्क है ठीक है। सारे Flash 32 हैं, अलग अलग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके A1 A2 की मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर दिए। अब R1 अपने PE राउटर पे चलते हैं, R1 पर चलते हैं सबसे पहले। R1 का कौन सा इंटरफेस है, Geek 4x0 और VRF कौन सी है। मैं A1 कॉन्फ़िगर करूंगा दोनों साइड ठीक है। मैंने लास्ट टाइम डिफरेंट लगा था, ये C1 C2, मैं अब की बार A1 VRF रखूंगा दोनों साइड ठीक है। सो R1 पर चलते हैं। IP VRF A1 ठीक है। RD वैल्यू मैं इसकी दे दूं
सही देखो, तो VRF हमने A1 कस्टमर, सॉरी C1 कस्टमर के लिए RD वैल्यू ऑलरेडी 1:1 डिफाइन कर रखी है। ठीक है, मैं A1 को 1:1 देने का ट्राई करूंगा, बट वो सेट नहीं करेगा। देखो VRF A1 RD वैल्यू 1:1 ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है, तो आरडी वैल्यू आप पर कस्टमर यूनिक रखोगे। ठीक है, और ना भी अगर यूनिक नहीं रखते, अगर मतलब यूनिक नहीं रखते तो दिक्कत क्या आती है, देखो ऊपर से भी 1:1, नीचे से भी 1:1, प्रीफिक्स यहाँ से भी सेम आएगा, नीचे से भी सेम आ सकता है। ठीक है, जो ऊपर वाले प्रीफिक्स है नीचे भी से भी आ सकते हैं, तो अंदर राउटर कैसे एडवर्टाइज करेगा, इसको कैसे पता लगेगा फिर। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, जो प्रीफिक्स C1 पे है ना वो प्रीफिक्स मैं A1 पे भी डालूंगा, या फिर जो प्रीफिक्स A1 पे मैं C1 पे, दोनों पे सेम प्रीफिक्स डाल दूंगा। ठीक है, जब अंदर वो जाएंगे ना विद RD वैल्यू तो प्रॉब्लम होगी, वो अंदर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा राउट किसका है, तो इस वजह से हम RD वैल्यू अलग अलग रहते हैं हर एक कस्टमर की, राउटर भी अलाउ नहीं करेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1:1 RD वैल्यू रखी हुई है, और उधर RD वैल्यू क्या है R4 पर, उसकी मैं सेम रखूंगा दोनों साइड। सॉरी, शो वी आर एफ 4:4 है, मैं 2:2 रख रहा हूँ। ठीक है, ये बन गया। R4 पे भी मैं RD वैल्यू सेंड कर देता हूँ, IPVRF A1 RD वैल्यू 1:1, सॉरी 2:2। ठीक है, अब राउट टारगेट, यहाँ से एक्सपोर्ट क्या होगा, एक्सपोर्ट मैं कर देता हूँ 22। वहां मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा R4 पे। राउट टारगेट इम्पोर्ट 22, और यहाँ से भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा 12 12 कर देता हूँ। ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आप सेम भी रख सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर है। और मैं R1 पर मुझे अब इम्पोर्ट करना पड़ेगा 12 12। चलो मैं RD RT वैल्यू तो डाल दिया। ठीक है, अभी क्या करना है, इंटरफेस को पार्ट बनाना है VRF का, GIG 5G, क्योंकि A1 से ट्रैफिक आएगा VRF में आएगा, GIG 4/0 आपका VRF का पार्ट बनाना चाहिए। ठीक है, तो 4/0 का आप बनाओगे VRF का पार्ट। ठीक है, R1 पर कितना था, 91.1.1.1 दे दिए इसको मैंने, 0 नो शट। आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये कमांड है शो आईपी वीआरएफ इंटरफेस, इससे पता लग गया कि जो मेरे वीआरएफ के इंटरफेस कौन कौन से हैं। एक तो GIG/2/0, इसमें मैंने कल C1 चलवाई थी, एक 4/0 इस पे क्या है मैंने A1 चलवा रखी है, इसका ये वीआरएफ, ये भी अप है पोर्ट, और आईपी एड्रेस मैंने क्या डाला हुआ 91.1.1। अब मैं इस पे क्या डालूंगा, OSPF कॉन्फ़िगरेशन राउटर, OSPF पेन चल रहा था ना VRF, किसके लिए, A1 के लिए। ठीक है, सो T1.1.1.0
जी वाइल्ड कार्ड मास्क में डाल दिया। एरिया 0, तो ये कमांड डाली है मैंने, शायद दिख नहीं रही होगी। ये कमांड डाली थी एक्चुअली, वो स्पेस में रहता ज्यादा हो गया, ये वाली कमांड डाली है। ठीक है, नेटवर्क, ये वाला नेटवर्क मैंने एडवर्टाइज किया, और ये बना वाइड कार्ड वाला सबनेट मास्क क्या था, 255.255.255.0, उसमें से ये 4/255 में से माइनस कर दो। ठीक है, वाइल्ड कार्ड मार्क डाल दिया मैंने एक तरीके से। ठीक है, और शो आईपी एसपीएफ। ठीक है, देखो नेबरशिप भी मेरी अब आ गई, 4/0 पे, 4/0 मेरा वीआरएफ का पार्ट है। ठीक है, तो शो आईपी राउट वीआरएफ A1, देख रहे हो ये वीआरएफ का राउट आ गया। ठीक है, करेक्ट। ऐसे ही R4 पे चलते हैं ना, R4 पे भी OSPF की कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, राउटर OSPF 10 VRF A1। ठीक है, नेटवर्क 41 वाला चल रहा है पे, 101.0, वाइट कार्ड मास्क, जीरो। राउटर आईडी डाल देते हैं ना, राउटर आईडी 41.41.41.41। नेटवर्क आईपी नहीं डाली क्या मैंने, अच्छा मैंने आईपी नहीं डाली अभी। ओके, ठीक है, 2/0 पोर्ट है, 2/0 आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग A1 का पार्ट बनाना है ना आपको, आईपी एड्रेस 41.255.255.0। ठीक है, राउटर OSPF दोबारा कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं इसकी, वो शर्ट भी नहीं किया हमने दिया ना। आगे OSPF उसकी अपना 2/0 पे, ठीक है।
है, वो इस पे फप आ गया इसका। सो आईपी राउट वीआरएफ ए1, ठीक है। ये देखो 70 वाले राउट्स आ रहे हैं ना, ठीक है, ए2 सारे था कि 70 वाले राउट्स, अब वो इस फिफ्थ में आ गए, ठीक है। राउट्स कहाँ ले आए, अब कस्टमर से प्रोवाइडर एज राउटर पर ले आए। अब ओएसपीएफ में ना राउट आर1 भी, अब बीजीपी में लेके जाने भाई राउट, बीजीपी वीपीएन वी4 में लेके जाने ना आर1 से आर4 पे, ए1 के राउट्स आर1 पे पहुंचे, आर1 से ए2 पे पहुंचाने हैं ना, ए1 से ए2 आर1 पे पहुंच गया, आर1 से आर4 पे पहुंचाओगे वीपीएन वी4 के थ्रू, बीजीपी के थ्रू, और आर4 से ए2 में, तो अभी तो ओएसपीएफ में आ चुके हैं, तो रीडिस्ट्रीब्यूट कराओगे, ठीक है, किसमें, बीजीपी में। किसके लिए, V4, कौन सी VRF के लिए करोगे, A1 के लिए, ठीक है, VRF A1 रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे किसको, OSPF को, OSPF प्रोसेस होगा, है। VRF कौन सी चल रही है भाई, BGP में आके भाई शो IP, BGP, VPN, V4, VRF, A1, ये देख रहे हो VRF का राउट आ गया ना A1 में, ठीक है। ऐसे ही R4 पे चलते हैं, ठीक है, इधर भी तो है, इधर भी तो BGP मिलेगा होगा OSPF से, IPv4, VRF, A1 रीडिस्ट्रीब्यूट कराना किसको, एस पी को, कौन से स्क्रिप्ट को, टैंक को, VRF क्या है, A1, VRF A1 के राउट से, ठीक है, कहाँ से आ रहे हैं, R1 से आ रहे हैं, और ये 41.1.22 कहाँ से आ रहे हैं, ये आ रहा है आपके उस A2 से, ठीक है, A2 से आ रहे हैं, और ये R1 से आ रहे हैं, यानी कि A1 के राउट से ऊपर वाले, ठीक है। 60 हमने वही तो कॉन्फ़िगर किया था A1 पे, अब ये BGP में तो आ गए, कहाँ कहाँ पे, R1 पे और R4 पे, ठीक है, BGP में तो आ गए भाई, R1 के राउट R4 पे पहुंच गए, R4 के A1 पे पहुंच गए, अब R1 से, यानी कि A2 के राउट अब कहाँ पे आ चुके, A1 पे, और A1 के राउट R4 पे, ठीक है। अब R1 पे जो A2 के राउट आए हैं वो BGP में है, वो BGP सब OSPF में लेके जाने, अब रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, VRF पे डालने पड़ेंगे राउट, ठीक है। तो R1 पे चलते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों साइड, ठीक है, BGP से OSPF में लेके आएंगे, अब राउटर VRF A1 रीडिस्ट्रीब्यूट करना किसको, BGP को, कौन से 100 को, और आगे कीवर्ड ऐड कर देना सबनेट, ठीक है। सबनेट अगर की ऐड नहीं करोगे तो ये जो क्लासलेस आईपी है ना, ये एडवर्टाइज हो जाएंगे, अगर ये नहीं करोगे ना तो क्लास फुल एड्रेस ही एडवर्टाइजमेंट होते हैं बाय डिफॉल्ट ओएसपीएफ में, ठीक है। क्लासलेस आईपी को एडवर्टाइजमेंट रीडिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए सबनेट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। R4 पे चलते हैं, A1 और डिस्ट्रीब्यूट करना है किसको, बीजेपी को, कौन से को, 100 को, सबनेट कीवर्ड, ठीक है। OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने किसको, बीजेपी के राउट्स को, ठीक है। अब VRF के थ्रू इनके बीच में नेबरशिप बनी हुई है, A1 पे पहुंच गए होंगे, A1 पे चेक करना एक बार, शो आई पी राउट, ये देखो 70 वाले प्रीफिक्स आ गए, और उधर A2 पे 60 वाले आ गए होंगे, देखो 60 वाले आ गए ना, और इसकी नेबरशिप, ठीक है, वो भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है, पिंग भी हो रहा है L3 VPN, ठीक है। R1 पे देखोगे 60 वाले प्रीफिक्स के, देखो R1 पे कितने प्रीफिक्स आ रहे हैं इसके, देखना एक बार, VPN V4 VRF A1, ठीक है, 60.1.1.2, ठीक ये कहाँ से लर्न हो रहा है मुझे, A1 से लर्न हो रहा है ना, तो शो IP BGP VPN V4 VRF A1 वन डाल दो, ठीक है। इसके लिए बीजेपी ने टेबल कितना जनरेट कर दिया भाई, 25,
बीजेपी ने लेवल कितना जनरेट कर दिया, 25, ठीक है, एमपी बीजेपी ने। शो, ठीक है, ये किसके 60.1.2 के लिए। अब ये कहाँ पे जा रहा होगा, राउट R4 पे जाएगा ना, बीजेपी की तो R1 से R4 पे जाएगा, R4 पे चेक कर लो, ठीक है, 25, ठीक है। ये कह रहा है कि मुझे R1 से आउट मिला है और 25 इसका गया बीजेपी लेवल है, आउट लेवल है, ठीक है। और MPLS फॉरवर्डिंग 1.1 तक रीच करने के लिए इसके पास कौन सा लेवल है, 19। शो आईपी सेफ VRF, कौन सी VRF है, A1, और प्रीफिक्स कौन सा है, 60.1.1.2। कितने भी, एक तो लेवल कितना होगा, 19 और 25, ठीक है, देखो 19 और 25 ही लेवल मेरा, ठीक है। ये 25 थ्रू आउट सेम रहेगा, थ्रू आउट द पाथ। ये कहाँ पे एक्सचेंज, कहाँ पे निकलता है, ठीक है, R4 को ये 60 तक रीच करना, तो 25 आपका लेवल, यहाँ ये 19 वाला लेवल है, जो LDP वाला लेवल है वो यहाँ रिमूव हो जाता है, और VPN V4 लेवल कहा जाता है तो एज पे, और एज पे जाने के बाद वो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल में देखता है कौन से वाले VRF के लिए उधर भेज देता है फिर, ठीक है दोस्त, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना L3 VPN का, यस सर, ठीक है, सिंपल है, काफी ज्यादा सिंपल है, ठीक है। अच्छा अभी देखो C1 पे कौन से राउट से पर देखना, शो आईपी C1 पे कौन सी VRF है, ये 50.22। मैं काम कर रहा हूँ C1 पे ना और A1 पे सेम ग्रुप पे क्रिएट करता हूँ, एड्रेस क्या दे दूं इनको, मैं सीरीज दे दूं, कौन सी यूज नहीं हुई हमारी, ना 85 दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है 85.1.1.1 C1 और A1 पे भी मैं सेम लूपबैक बना देता हूँ,